नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मेहर सब्जी व्यापारियों ने मेहर जिला कलेक्टर रानी पाटर को सौंपा ज्ञापन। व्यापारी वर्ग ने नगर पालिका प्रशासन द्वारा निर्मित न्यू सब्जी मंडी सनकोटा तालाब के सामने नगर पालिका मेहर द्वारा सब्जी मंडी में निर्मित दुकानें व चबूतरा बोली लगाकर खरीद कर व किराए से लिया दुकानें लेने के बाद भी वहां कोई व्यापार नहीं हो रहा है और न ही कोई ग्राहक आ रहा है, बोनी को तरसवाते हैं दुकानदार। उसका कारण थोक सब्जी मंडी हरनामपुर में खुली है और जगह जगह शहर में सब्जी की दुकानें लगी हुई है, जबकि नगर प्रशासन ने पुरानी सब्जी मंडी को तोड़वा कर सनकोटा तालाब के सामने विशाल न्यू सब्जी मंडी बनवाया, जिसमें सब्जी का विक्रय थोक व फुटकर बिक्री होगी। लेकिन किन्हीं कारणों से थोक सब्जी मंडी हरनामपुर में खोल दी गई, जबकि न्यू सब्जी मंडी और थोक सब्जी मंडी में दूरी तकरीबन 6-7 किलोमीटर की होगी और शहर में हर गली मोहल्लों में फुटकर बिक्री सब्जी दुकानें खुली हैं, जिसके चलते न्यू सब्जी मंडी में कोई ग्राहक ही नहीं आता है। इसके कारण आज दिनांक 19 दिसंबर दिन मंगलवार को न्यू सब्जी मंडी के व्यापारी वर्ग एकत्रित होकर मेहर कलेक्टर से ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी कि थोक व फुटकर मंडी न्यू सब्जी मंडी में सनकोटा तालाब के सामने मंडी में एक साथ लगे व शहर में जगह जगह खुली सब्जी दुकानों को हटवा कर न्यू सब्जी मंडी में स्थापित किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर व्यापारियों ने कलेक्टर महोदया को ज्ञापन सौंपा। उपस्थित रहे प्रमोद चौरसिया, दीपू चौरसिया, घमंडी चौरसिया, सोमनाथ मोहन, गोवलानी, बंटी, शिवनाथ शर्मा इत्यादि व्यापारी साथी उपस्थित रहे। यहाँ पे ज्ञापन के माध्यम से सब्जी मंडी शिफ्टिंग के लिए जो नई सब्जी मंडी बनी है, थोक सब्जी मंडी और फुटकर सब्जी मंडी को एक ही स्थान पे करने के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया। आपने किस विषय पे ज्ञापन दिया? हमने ज्ञापन दिया कि जो शहर के अंदर चारों तरफ सब्जी मंडी की दुकानें लगी हैं, उनको एक स्थान जो नगर पालिका भी न्यू सनकोटा तालाब के सामने सब्जी मंडी बनवाई है, उसमें सब स्थापित की जाए। बाज़ार में चारों तरफ सब्जी लगी होने के कारण बाज़ार की व्यवस्था भी हो रही है और जो न्यू सब्जी मंडी में कई वर्षों से दुकानदार लेके इस आस में बैठे हैं कि सब्जी मंडी यहाँ आ जाए और उनका जीवन यापन चले, उस स्थिति में वो नहीं है। न्यू सब्जी मंडी में दुकानें नाम मात्र की लगती हैं, बाकी फुटकर सब्जी मंडी और थोक सब्जी मंडी विभिन्न स्थानों में लगती हैं। अच्छा, इसको लेके हमने कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया कि मैडम ये देखे जाए कि जो सब्जी मंडी शहर के चारों तरफ रोड के किनारे लगी हैं और आने वाले समय में कभी भी दुर्घटना हो सकती है, तो उन लोगों को उठाकर एक स्थान में स्थापित किया जाए जो सनकोटा तालाब के अंदर बनी है सब्जी मंडी और चबूतरे बनाए गए हैं नगर पालिका द्वारा। जी, ऐसे पूर्व भी आप लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से जी जी तो दिया था जी, हमने पूर्व में भी SDM महोदय को और नगर पालिका अध्यक्ष सीएम सबको ज्ञापन दिया हुआ है और उन्होंने सब ने कहा था कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करके सब्जी मंडी स्थापित करते हैं, मगर अभी तक उसमें विधिवत कोई काम हुआ नहीं और जो अभी न्यू अध्यक्ष हैं संतोष सोनी, उनको भी अवगत कराया गया था तो वो उसी भी समय लेके इसके पहले जब पूर्व में दिया गया था हमको श्री अध्यक्ष गीता सोनी जी को जी, तो उस समय बात हुई थी कि अभी सब्जी मंडी काम बाकी है जी, जी, तो काम हुआ है। उसके बाद इधर काम होने के बाद जो है अपनी जो फुटकर सब्जी मंडी जो पूरे मैहर में लग रही है जी, जी, और जो थोक सब्जी मंडी जो न मालूम किस कार्ड से वहाँ चली गई है और यहाँ भी स्थापित करने में प्रशासन और शासन दोनों ही अभी असमर्थ है हमको लग रहा है, तो उसको भी अभी तक स्थापित नहीं किया गया। वहाँ के हम लोग जो है फुटकर जो हम लोगों को दुकान दी गई थी वो दुकान देने का मेन माध्यम था कि सब्जी मंडी यहाँ लगेगी, तो हम लोगों ने दुकान के लिए लोन लिए हुए हैं, लोन ले लेके वहाँ दुकान लिए और उसका किराया जो है आज के 2500 रुपये 3000 रुपये लग रहा है। वहाँ आमदनी का 1 रुपये का तक आमदनी का साधन नहीं है, उसके बाद हम लोग का महीने में वहाँ किराया भी लग रहा है और कुछ हो भी नहीं रहा। तो हम लोग इसके पहले जो पूर्व विधायक थे उनके पास भी जा चुके थे, अभी वर्तमान में जो विधायक हैं उनके पास भी जाना है, लेकिन किसी कारणवश वो भोपाल में आने के बाद उनसे मिलना है और हमको अंततः प्रयास करना है कि सब्जी मंडी पूर्णतः वो चाहे थोक हो या फुटकर हो पूरी यहीं पे ही स्थापित हो। अच्छा, जैसे कि ये मांगे जो है तो आप अभी आपने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय जी को दिया और इसमें कार्रवाई नहीं हो तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? इसमें अभी हमने जो ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय जी से बात हुई है, उन्होंने हमको आश्वासन और आश्वस्त भी किया है कि जो आपकी मांगे हैं उसको नियमा तहत जल्द से जल्द पूरी की जाएगी और 15 दिन के अंदर ये आपकी जो मतलब बात है उसको पूर्णतः किया जाएगा। यदि 15 दिन के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम पुनः एक बार मैडम के पास आएंगे और इसके लिए फिर जो हमारे व्यापारी गण मिलके जो राजनीति जो बातें तय करेंगे उस बातें पे हम लोग अमल करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। मेयर से खबर समय जगत के लिए प्रकाश सोनी की रिपोर्ट।
फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।